अनोखे हो गई वाह गई वाह अनोखे हो। बंद करो सब कुछ। अरे क्या आखिर बात क्या है? मम्मी बोल जाओ, हुआ मैं भी तो बोलो। पैसे बाप मुझे तो बताइए, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी नहीं जी, गलती हो गई है हमसे। ओ पहन जी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि बात क्या है। पर मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। आपकी सारी धोखेबाजियां क्लियर हो गई हैं जी। कितने झूठे वादे किए और आपकी बातों पे यकीन करके हम यहाँ बारात लेके आ गए। और सड़ गई मेरी किस्मत जब ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ा था मैंने। नहीं बहन जी, ऐसी बातें मत करो बहन जी। देखो जी, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा कि आपकी नाराजगी की वजह क्या है, कुछ तो बताओ। ओ, आपके पल्ले कैसे पड़ेगा? आपने तो अपनी मासूम बेटी का चेहरा आगे करके अपना पल्ला झाड़ लिया और वो मेरे मासूम बेटे को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। हा? जी आखिर क्या हुआ बताइए तो, कुछ गल छल कह दिया क्या हमारी अनु ने? ओ नहीं जी अचला जी, अनु गलत बात कैसे कर सकती है, वो तो कुछ बोलती नहीं है बेचारी। बहन जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा कि आपकी नाराजगी की वजह क्या है। मैं क्यों बताऊं? मुझे ना अपनी जुबान से अपनी बेइज्जती करने का शौक नहीं है। बेटा आखिर ये हो क्या रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पापा मुझे भी कुछ नहीं पता। रमन पुत्र आप बताओ क्या बात क्या है? मम्मी आप मेरी बात। ये क्या बताएगा? पुत्र रहन दे, नु गल करन दे। जाके पूछो अपनी बेटी से जिसने ये सारा शगुन अब शगुन में बदल दिया है। अनु ने? और नहीं जी नहीं, अनु ऐसा कर ही नहीं सकती, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती जी, मैं जानता हूँ उसको अच्छे से। हम पूछते हैं ना अनु से क्या बात क्या है। बहन जी आप अंदर चलो, सब ठीक हो जाएगा। आइए ना, ये बात इतनी आसानी से ठीक नहीं होने वाली। जब तक हमसे माफी नहीं मांगी जाती ना, तब तक हम अंदर कदम नहीं रखेंगे। हाँ जीजी आखिर बताओ बात क्या है? मैं क्या भगवान, मुझे तो बोलो। मम्मी आप मुझे बताइए क्या बात है। और चुप करो सारे। ठीक है पूछते हैं क्या बात क्या है। आते जाते जजमान, दुल्हा दुल्हन को बुला लीजिए, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। जी पंडित जी। कहाँ गए सब लोग? पता नहीं, मैंने तो सब लोगों को बाहर जाते हुए देखा था। पापा जी और मम्मी जी भी उसी ओर गए, मैं पता लगाती हूँ। ओए ओए बिंदिया। मम्मी जी तू चल मेरे साथ। अरे मम्मी सारे लोग कहाँ चले गए? पंडित जी रमन जी और अनु को बुला रहे, फिर उनका मुहूर्त निकला जा रहा है। बिंदिया अभी फेरे नहीं हो सकते हैं। क्या? हाँ अनु को अपने कमरे में ले जाना है, उससे कुछ जरूरी बातें करनी है, तू चलना अभी। मम्मी क्या बात है मम्मी जी? बात तो बहुत परेशानी वाली है राकेश पुत्र, समधी लोग नाराज हो गए हैं, बाहर बैठे हैं, हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, तुम जरा यहाँ संभाल लो। जी गॉड। दीदी आप ना बहुत सुंदर लग रही हो, मैंने अच्छी ड्रेस चुनी ना आपके लिए, है ना? अनु चल फेरो के लिए चलो चल। ओहो छवि तू चुप रहे, हम अनु को कमरे में ले जा रहे हैं, तू यहीं रहे, हम अभी आते हैं। चल, 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 चल। अरे दीदी क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गई है छवि, बाद में सब बताती हूँ, तब तक तू और गुल्लू इधर मेहमानों का ख्याल रखना ठीक है, और किसी से कुछ कहना नहीं, सबको बहला कर रखना ठीक है, समझ गई ना? राकेश जी फेरो का शुभ मुहूर्त बीत जाएगा तो रात तलक और मुहूर्त नहीं है, शीघ्र ही कन्या को बुला लीजिए। पंडित जी सब कुछ आपके हाथ में है, मंत्र वगैरह पढ़ के मुहूर्त थोड़ा आगे खींच दीजिए, मैं अभी पता करके आता हूँ। ये हो क्या रहा है, फेरे कब शुरू होंगे? पता नहीं फेरे कब शुरू होंगे, कब खत्म होंगे, मैं तो नहीं रुक सकती बाबा, भूख के मारे चक्कर आ रहे हैं मुझे। चलो चलते हैं जी। गुल्लू मेरे साथ चल। कहाँ? तुझे तुझे चुटकुले याद है? क्यों? ज्यादा सवाल मत पूछो, चल मेरे साथ चुटकुले याद कर ले। तू तो चल बेटा, और तू मेरे को बता दो क्या काम क्या है। और मैंने देखा वो रमन नहीं, रमन की मम्मी थी। ये सब तूने कहा? तूने
पुत्र, क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? ये सब बच्चों के मामले नहीं है। उधर महेश्वरी जी मुंह फुलाए बैठी हुई है और शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। अनमोल जी, कहीं इसकी शादी? ओए अचला जी, आप भी कैसी उल्टी सीधी बातें करते रहते हो, वो सब ठीक हो जाएगा। शादी ब्याह में ये सब रूठना मनाना तो चलते रहता है, है? भाई अनु के ससुराल वाले भी अपने ही लोग हैं ना, भाई हमने तो वही करना है जो उनकी पसंद है कि नहीं? नहीं पापा जी, पैसे ही खर्चा हद से ज्यादा हो गया है, इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। प्यार की भी कोई हद होती है पुत्र, और जब मैं उनको अपने जिगर का टुकड़ा दे सकता हूं तो ये टीवी क्या चीज है? घबराना पुत्र, मैंने तेरी शादी में ना कोई कसर नहीं छोड़नी है। खुश रहो पुत्र। राकेश बिंदिया, तुम लोग जाकर अनु की सास को संभालो, उनका गुस्सा ठंडा होते ही हम भी आते हैं। आप लोगों को मेरे जोक पसंद है? टिंकी, इन लोगों को मेरे जोक पसंद आ रहे हैं, मैं एंटरटेन कर सकता हूँ। वन मोर जोक फॉर एवरीबॉडी, आप सब लोग शांत से सुनिए, ओके? एक बार संता ने बंता से पूछा, ओए बंते, मेरे को एक बात बता, तेरा और तेरी बीवी का ब्लड ग्रुप सेम टू सेम कैसे है? तो इस पे बंता भड़क गया, वो बताओ क्यों नहीं होगा सेम टू सेम, 25 सालों से वो मेरा खून जो पी रही है। अरे जीजी, कमाल है, रात हो गई लेकिन हमें कोई पूछ ही नहीं रहा, भाई ये तो हद है। चलो बिंदिया, माफी मांगने की क्या जरूरत है, अनु ने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? शादी का मामला है बिंदिया, वैसे भी मम्मी जी ने अनु के ससुराल वालों को संभालने के लिए कहा है, और माफी मांगने से कोई छोटा तो नहीं हो जाता ना? बात छोटे बड़े की नहीं है राकेश, माफी तो तब मांगे जब कोई गलती हो, बस ऐसे किसी के सामने सर झुकाने की क्या जरूरत है? देखो बिंदिया, शादी में कभी कभी झुकना भी पड़ता है, वरना रिश्ते टूट जाते हैं। मम्मी देखिए, आप लोग बड़े हैं, बच्ची समझ के अन्नू को माफ कर दीजिए। अरे बड़ों जैसा कोई बर्ताव तो हुआ ही नहीं हमारे साथ, और वो जो शादी का जोड़ा पहन के बैठी है वो क्या बच्ची है जिसको सही और गलत की कोई तमीज ही नहीं? अरे यही समझाया माँ बाप ने? का मकसद आपकी बेइज्जती करना नहीं था, बस पापा जी के ख्याल में जरा सी भावुक हो गई थी। और जी आपका ख्याल तो हम पूरी तरह से रखेंगे, और वो प्लाज्मा टीवी भी बस आ ही रहा है, आप बेफिक्र रहिए, मगर शादी की बात है और मुहूर्त भी निकला जा रहा है, भूल चूक माफ कर दीजिए और रमन को लेकर के मंडप में चलिए। अरे माफ तो तब करे ना जब कोई माफी मांगने आए, जिनको माफी मांगनी चाहिए वो तो नजर ही नहीं आ रहे, ना आपकी अन्नू ना उसके पापा जी। ओए अनमोल जी, अब क्या करेंगे? सब ठीक है अनमोल जी। अचला जी, आप लोग तो यहाँ खड़े हो, अरे बताइए तो कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम दे दो कविता जी, मैं सब ठीक कर दूंगा, लेकिन मेहमान लोग ठीक है ना? जी मेहमान लोग तो सब ठीक हैं, मगर वो भी कब तक ऐसे बैठे रहेंगे, कुछ तो सोचिए आप लोग। अरे कविता बहन जी, बिंदिया राकेश गए हैं ना उनसे बात करने। देखिए ये सब जो हो रहा है ना, अच्छा नहीं हो रहा है, शादी ब्याह में इस तरह की बातें। बिंदिया मुझे बोलने दो जी, आखिर मैं भी तो सुनूं मेरी बहन ने ऐसा क्या कह दिया कि जिससे बात का इतना पतंगड़ बनाया जा रहा है। तो तुम ये कह रही हो कि उसने कुछ कहा ही नहीं? कहा, लेकिन उसने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा। अजी हमारे पापा जी ने तो मर मर कर अपनी हद से भी ज्यादा किया है शादी के लिए, लेकिन
यही तो एक लकीर खींचनी होती है कि नहीं? बस यही करना चाहती थी हमारी अन्नू, यही कोशिश कर रही थी वो। इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? तो क्या जरूरत थी लड़की की शादी करने की? अगर औकात नहीं थी तो लड़की को घर बिठा के रखते। इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने की क्या जरूरत थी? क्या झूठी डींगे हम हाँक रहे कि आप लोग? बिंदिया बस करो। ओ, तुम चुप करो। मैं बस बिल्कुल नहीं करूंगी। ये मेरे पापा जी के खिलाफ बोले जा रही है और तुम कहते हो कि मैं बस करूं? इस चिट्ठी ने भी अजीब स्यापा डाल दिया है। भाई साहब हो तो आप लड़की वाले, और लड़की वालों को हमेशा झुकना पड़ता है। लड़के वालों के तेवर झेलने पड़ते हैं। अब चाहे वो गुस्सा करे, चिल्लाए या ताने दे, आप सिर झुका के उनसे माफी मांग लीजिए, तभी मानेंगे वो लोग। पापा जी माफी नहीं मांगेंगे। तो पुत्र जी आप इन बातों के बीच में क्यों पड़ते हो? ये सब बातें मेरी वजह से हो रही है पापा जी, और मेरी वजह से आपको किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो रहने ही दे अनु, जैसे बड़े कर रहे हैं उनको करने दे। बहन जी मैं तो कहती हूँ अनमोल जी ही नहीं, अनु को भी जाके उनसे माफी मांग लेनी चाहिए, तभी वो लोग जाके कुछ शांत होंगे। ओ एक्सक्यूज मी मम्मी जी, अनु क्यों माफी मांगेगी? किसी और को माफी मांगनी है तो मांगने दो, अनु माफी नहीं मांगेगी बस। तो तू माफी मांग लेना, फिसद्दी कहीं का। अरे एक चिट्ठी नहीं तुझसे संभाली गई, तू सुपर शेफ कंपटीशन में जाके क्या करेगा? मेरी नाक कटाएगा तू, गधा कहीं का। मम्मी जी आप, अगर उन्हें मेरी बात गलत लगती है तो मैं माफी मांग लूंगी, लेकिन पापा जी माफी नहीं मांगेंगे, चाहे ये शादी टूट जाए। चुप 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 रहे पुत्र, कैसी अशुभ बातें कर रही है? इसे इसे क्या हो गया अनमोल जी? पुत्र जी आप अगर मुझे आसमान से तारे तोड़ के लाने को कहोगे ना तो लपक के ले आऊंगा उनको मैं। और ये माफी क्या चीज है? आइए आइए, आप भी चले कटी सुनाने आए हैं? ये माफी मांगने का इरादा है किसी का? अरे इस परिवार में एक से एक बदतमीज निकल रहे हैं। देखो बहन जी, जो हो गया सो हो गया, है कि नहीं? मुझे क्या हम सब लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चों की नई जिंदगी की शुरुआत एक शुभ मुहूर्त से हो? और जी आपको अब शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा, ये अनमोल बेदी का वादा है। आपके वादे पे कोई यकीन नहीं है हमें अनमोल जी, और ना ही आपकी लड़की पे। आखिर जैसे संस्कार दिए हैं आपने वैसी ही होगी ना आपकी लड़की। अगर आपको गलती करके माफी मांगना आता ना तो अब तक आप हमारे जूतों पे नाक रगड़ रहे होते। पहली छड़ो भी इस गल को है। अनुपुत्र अपनी सासू माँ से माफी मांगो, हैं? बड़े हैं। पापा जी मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगूंगी? देख लिया, सुन लिया आपने? अरे बदतमीज बददिमाग लड़की, किस बात का घमंड है तुझे? हमें यहाँ बुला के हमारी पगड़ी उछाल रहे हैं, तभी तो लड़की ऐसी है। पछताएगा वो जो इस लड़की से शादी करेगा। देखिए बहन जी,
आप इस तरह हमारी अन्नू के बारे में नहीं कह सकती हैं। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। हमारे घर की बहू बनने के लिए तमीज सीखनी होगी इसको। क्या समझती है तू अपने आप को? हाँ, समझा दीजिए इसे। अब इसे सिर्फ हमारे सामने ही नहीं, सारे मेहमानों के आगे माफी मांगनी होगी इसे। बस बहन जी, मैं समझ गया आपका मतलब, अच्छे तरीके से समझ गया हूं। और मैं ये भी समझ गया हूं कि मुझे क्या करना है। इस वक्त आप सब लोगों के सामने इसलिए खड़ा हूं कि मुझे आप सबसे माफी मांगने की जरूरत है। माफी इसलिए कि मैं जिंदगी भर परवरिश का मतलब नहीं समझा। मैं समझता था कि परवरिश प्यार का दूसरा नाम है। बच्चे प्यार से पल रहे हैं तो किसी और चीज की क्या जरूरत है। पर आज मैंने परवरिश का असली मतलब जाना है। परवरिश प्यार से नहीं, पैसे से होती है। मुझे इसी बात की आप लोगों से माफी मांगनी है, खास तौर से महेश्वरी देवी से, क्योंकि उन्होंने आज मुझे परवरिश का असली मतलब समझा दिया। बिल्कुल ठीक कहते थे, मेरी अनु आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं है। जी जी, क्या बकवास कर रहा है ये? मेरी अनु ऐसे घर की बहू कैसे बन सकती है जहां आदमी की हैसियत प्यार से नहीं, सोने चांदी के सिक्कों से तोली जाती है। मैं अनमोल बेदी आप सबके सामने बड़े फक्र से एक बात कहना चाहता हूं। मैं अपनी बेटी अनु की शादी तोड़ रहा हूं।